छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट मरवाही उपचुनाव के ठीक पहले जाति का जिन एक बार फिर जोगी परिवार के सामने निकलकर सामने आ गया। इस बारे में जोगी की पत्नी ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए गए, जिस पर अब जांच जिला स्तरीय छानबीन समिति के पाले में है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की शिकायत के बाद 29 सितंबर को ऋचा जोगी को 10 दिवस के भीतर समिति ने उपस्थित होने और जवाब प्रस्तुत करने तलब किया। संत कुमार नेताम और सुरेश खुसरो ने शिकायत को दर्ज कराया। ऋचा ऐश्वर्य जोगी को गौड़ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र को जरहा गांव उप तहसील में 15 जुलाई को ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जिसके बाद 16 जुलाई को अस्थायी जाति प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार जरहा गांव के द्वारा जारी किया गया। फिर उसके बाद अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही 16 जुलाई को ही स्थायी जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया, जिसके बाद मुंगेली एसडीएम के द्वारा 17 जुलाई को ऋचा जोगी को अनुसूचित जनजाति का स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया। आनन फानन में बनवाए गए जाति प्रमाण पत्र को मरवाही उपचुनाव के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। ये गोड़ जाति के नहीं है, समाज में कोई रोटी बेटी का लेन देन नहीं है, यहाँ इस पिंडी डी में कोई भी गोड़ जाति के निवास नहीं करते हैं और कोई समाज के लेन देन नहीं है, इसलिए हमको लगा कि ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करवाया गया। देखिए, सवाल सिर्फ यही है कि एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए। गलत व्यक्ति अगर सामने आके आप गलत सर्टिफिकेट के आधार पर अगर एक आदिवासी समाज के हक मानने का अगर काम होगा तो ये गलत होगा। तो इसमें जो है गलत दस्तावेज अगर प्रस्तुत करके अगर बनाया जा रहा है तो इसमें बिल्कुल दोषी इसमें व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी। इसमें ऋचा पाली साधु के नाम से जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, उसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी करीब 28-29 तारीख के आसपास। मैंने उसको जिला स्तरीय सत्यापन समिति के समक्ष भेजा है, वहाँ से आवश्यक जांच पड़ताल हो रही है, उसके बाद उस पर समिति आवश्यक कार्रवाई करेगी, आदेश पारित करेगी। होशंगाबाद।